सो हेलो स्टूडेंट के जो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन के बारे में, छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे इसके ऊपर। सो माइक्रो इवोल्यूशन एक काइंड ऑफ स्पीसीज के अंदर है, वो इवोल्व है, वो हम देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं। सो ये कम टाइम पीरियड के अंदर ही है, वो देखा जाता है रिलेटिव टू मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन में हम लार्ज स्केल पर है वो इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। सो वो होता है मैक्रो इवोल्यूशन, इसमें हम स्पीसीज तक की सीमित नहीं रहते हैं, फैमिली ऑर्डर आगे तक के टैक्सा तक का हम इवोल्यूशन है वो है, वो मैक्रो इवोल्यूशन में है वो हो जाता है। इसमें है वो टाइम है वो बहुत लार्ज टाइम स्केल है वो देखा जाता है फॉर मैक्रो इवोल्यूशन, बिकॉज एक स्पीसीज में इवोल्यूशन है वो जल्दी देखा जा सकता है। जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल मैनलिज्म की हम बात करें, सो वहाँ पे है वो, उनमें हमने बात भी की थी प्रीवियस वीडियो में, वो प्री इंडस्ट्रियल जो एरिया था वहाँ पे उनका मॉर्फोलॉजी अलग था, एंड इंडस्ट्रियल एरिया जैसे ही आता है वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ने के कारण है जो बार्क का कलर है वो भी डार्क हो जाता है, सो डार्क कलर होने के कारण है वो ईस्टर्न बीटल एरिया जो स्पीसीज है उनका कलर भी है वो डार्क की तरफ है, वो शिफ्ट हो जाता है। सो वो विद इन स्पीसीज ये जो इवोल्यूशन हो रहा है वो समय है, वो टाइम टेकन है वो कम ले रहा है। सो वो हम माइक्रो इवोल्यूशन में देख रहे हैं। ओके एंड जो फैमिली और ऑर्डर लेवल पे जो इवोल्यूशन होता है वो हम मैक्रो इवोल्यूशन में है वो स्टडी करते हैं। ओके सो इसमें भी अब वो न्यू स्पीसीज है वो बन सकती है मैक्रो इवोल्यूशन में, और वो चेंजेस है वो भी लार्ज देखे जाते हैं, एंड माइक्रो इवोल्यूशन में चेंजेस इतना ज़्यादा लार्ज नहीं देखा जाता है। कभी कभी जैसे कि किसी ऑर्गन की लेंथ में भी है वो चेंजेस है, वो भी छोटे मोटे चेंजेस है वो भी है माइक्रो इवोल्यूशन में आते हैं। ओके एंड इसमें जो माइक्रो इवोल्यूशन में जो अडेप्टेशन और जो नेचुरल जो चेंजेस आ रहा है पॉपुलेशन में, एंड इसमें जो मैक्रो इवोल्यूशन में जो चेंजेस आ रहा है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रेशर जो होता है जिसकी वजह से है वो ये चेंजेस आते हैं, सो वो हो सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो हो सकता है, एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अब जीन फ्लो क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन तो आप सभी को पता ही है। सो जीन फ्लो जैसे कि माइग्रेशन किसी स्पीसीज का है वो एक पॉपुलेशन में है वो इमिग्रेशन हो गया, यानी अंदर आ रहे हैं, और ई माइग्रेशन हो रहा है मतलब किसी दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन में कोई स्पीसीज माइग्रेट करके जा रहा है। सो माइग्रेट करने से ये जो जीन फ्लो हो रहा है उसके कारण भी है वो कुछ चेंजेस है वो आते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट सडनली कुछ स्मॉल पॉपुलेशन में चेंजेस दिखाई देता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट वो भी हो सकता है। सो ये कुछ है वो इनके काउज हो सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो इवोल्यूशन, सो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व चेंजेस जो ऑब्जर्व होते हैं वो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में हम देख सकते हैं। ओके एग्जांपल हमने इंडस्ट्रियल मैनलिज्म में देख ही लिया, एंड एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं जो कि है साइज ऑफ स्पेरो। ओके जो कि है वो लो टेम्परेचर में है वो जो लार्ज साइज की जो स्पेरो है वो सर्वाइव करती है, और जो स्मॉल साइज की जो होती है स्पेरो जो स्मॉल साइज की होती है वो मोस्टली है वो हाई टेम्परेचर में है वो सर्वाइव करने के लिए वो उनका अडेप्टेशन है वो देखा जाता है। सो ये शॉर्ट पीरियड में ये जो माइक्रो इवोल्यूशन है हम एक स्पीसीज में है वो देख सकते हैं। एंड ओके सो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड हर्बिसाइड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये भी है वो एक माइक्रो इवोल्यूशन का ही पार्ट है, बिकॉज हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल देखे थे जो मलेरिया DDT रेजिस्टेंस इन मलेरिया, सो वो काफ़ी जल्दी है वो उनमें रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है वो हो जाता है, सो वो माइक्रो इवोल्यूशन का ही पार्ट होगा। ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो इवोल्यूशन, सो इसमें भी है वो नई नई स्पीसीज है वो स्पीसिएशन का जो प्रोसेस है वो इसमें है वो देखा जाता है, पूरी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो भी हो जाता है
टोटली न्यू स्पीसीज है वो बन जाती है इसमें, एंड फैमिली और ऑर्डर लेवल तक का है उन चेंजेस है वो मैक्रो इवोल्यूशन में देखते हैं हम। एंड टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल का टाइम है वो लगता है इसमें, मिलियन ऑफ ईयर्स है वो लगते हैं। ओके एंड प्रेशर, प्रेशर है वो दोनों में सिलेक्शन प्रेशर है वो सेम ही रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है वो ड्रिफ्ट होता हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो हमने देखा। ओके सो और बाकी मैक्रो इवोल्यूशन होता कैसे, जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस होते जाते हैं वो अक्यूमुलेट हो जीन लेवल पे, हम बोल सकते हैं जीन लेवल पे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल म्यूटेशन जैसे अक्यूमुलेट हो गए या फिर कुछ भी है, वो स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस है वो छोटे छोटे चेंजेस अक्यूमुलेट होते रहते हैं, उसके बाद में है वो ये है वो सो होता है। सो ये है इसके जो काउजेज हमने देखे और एग्जाम्पल हमने देखे। सो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में इम्पोर्टेंट वीडियो होगी नेक्स्ट वाली वीडियो, रूल्स ऑफ इवोल्यूशन इन इवोल्यूशन, जो कोप्स रूल, डॉल्स रूल, ओकाज्म रूल, वैन वेलन रूल, बहुत सारे कम्पिटिटिव CSIR नेट में, RPC असिस्टेंट प्रोफेसर सब में वो इन रूल्स के बारे में वो पूछा जाता है एग्जाम्पल एंड। सो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून। आप चैनल पे जाके इवोल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और भी वीडियो वहाँ पे बढ़िया बढ़िया पड़ी है। ओके बाय बाय।